पंचायत चुनाव के तीसरे चरण 24 मई को होने वाले हैं, जिसमें प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी कड़ी में पंच मोहाली पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी जगदीश तिवारी हैं, जो पहली बार चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। जगदीश तिवारी ने सिटलाई से खास बातचीत में कहा कि जनता का मिल रहा है पूरा समर्थन, जीत सुनिश्चित है। इस वक्त हम एगाकुंड प्रखंड के पंचमोहली पंचायत क्षेत्र में है और यहाँ पर हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी जगदीश तिवारी जो है, जो पहली बार पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये पंचायत चुनाव में आए हैं और एक चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में आए हैं। हमारे साथ इस वक्त जगदीश तिवारी जी है, उनसे हम जानेंगे। जगदीश जी, जाने की आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में आए प्रत्याशी के रूप में, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए? हमारे पास यही मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि जितने भी इसके पहले मुखिया लोग हुआ, कोई काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि मुखिया बन के इस पंचमहली पंचायत का उद्धार करें और हम चारों तरफ घूमे तो देखें कि कहीं काम कुछ भी नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं कि मुखिया बन के इस क्षेत्र का विकास करें। देखने को मिला कि कहीं पानी नहीं है, नली नहीं है, त्रस्त है पब्लिक। हम देख रहे हैं कि नहीं करने से, यहाँ नहीं मतलब खड़ा होने से विकास होने वाला नहीं है। जो भी मुखिया में खड़ा होता है वो अपना अपना रोटी सेकने का चक्कर में रहता है और हम विकास करने का में है कि एक बार जीते तो विकास करके दिखाए, कि पब्लिक देखे कि मुखिया के कर्तव्य क्या होता है। जगदीश जी, आप अभी चुनावी मैदान में हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, किस प्रकार का रुझान, किस प्रकार का समर्थन जनता से मिल रहा है आपका? जनता से बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, जनता त्रस्त है पहले से और जनता यही बोलता है कि आप बहुत, हम लोग दिल से चाहते हैं कि आप जीतिए और क्षेत्र का विकास करिए। जगदीश जी, हम ये जानना चाहेंगे, आप पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं, तो पहली बार चुनाव मैदान में आपके, तो चुनाव आप मतलब जो फील्ड में दौरा कर रहे हैं, किस प्रकार का आपका लग रहा है, अनुभव हो रहा है? हमको अनुभव हो रहा है कि जनता चेंज चाह रहा है और जनता बहुत खुश है हमसे मिलके और सभी आदमी बोलते हैं कि आप काम करिए। जगदीश जी, आपका चुनाव मैदान में जो आए मुखिया पद प्रत्याशी के रूप में, तो क्या है आपका चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह सेव छाप है और चल रहा है। सेव छाप में आप समझ लीजिए कि चारों तरफ पब्लिक का निगाह में यही है कि सेव छाप में वोट देना है और सब कोई दिल से जुड़ा हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से ही अपील करेंगे कि आप लोग हमको जिताइए और आप लोग का जो ये है प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे और हर समय खड़ा रहेंगे अपने जनता के साथ, पचा खड़ा रहेंगे।